धारयति स धर्म, जो कुछ अच्छा है उसके लिए मर मिटे वह धर्म है। न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, ईसाई है कोई, ये तो एक दुर्भाग्य से आप एक ईसाई के घर में पैदा हो गए, ईसाई बन गए, आपकी चॉइस नहीं थी इसमें। आप सिख के घर में पैदा हो गए, सिख बन गए, ऑटोमेटिक बन गए, ये आपकी चॉइस नहीं थी। ये माँ बाप सिख थे, आप सिख बन गए, माँ बाप हिंदू थे, आप हिंदू बन गए, आपकी चॉइस नहीं है। अब जो कुछ करेंगे वो आपकी चॉइस है। इसलिए वह धर्म अपने आप में माँ बाप का दिया हुआ धर्म है। आपका धर्म क्या है वह मैं समझा रहा हूं। आपका धर्म है कि उस धर्म का पालन करते रहें, उनके प्रति नमन होते रहें, मगर उस धारणा शक्ति को मजबूत बनाएं कि मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत ऊंचाई के स्तर पर पहुंचना है, इतना ऊंचा पहुंचना है कि जो गुरु चाहते हैं वैसा कर सकूं, अपने कुटुंब और अपने धर्म का पालन करते हुए श्रेष्ठतम बन सकूं। और यह गुरु पूर्णिमा इसी संदेश के साथ, इसी उच्च कोटि की दीक्षाओं के साथ, इसी प्रकार के प्रयोग के साथ, जहां भौतिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, जहां आध्यात्मिकता भी पूर्णता के साथ प्राप्त हो सके, किसी जगह से आप खंडित नहीं हो, कमजोर नहीं हो, जिस क्षेत्र में भी आप खड़े हो एकदम हिमालय की तरह खड़े हो, सिर एकदम ऊंचा उठा हुआ हो, इसलिए महालक्ष्मी प्रयोग है तो वैभवता के साथ पूर्ण हो आप। अगर सहस्राक्ष प्रयोग करा रहे तो उस आध्यात्मिकता में पूर्ण हो। कहीं कोई चुनौती दे और आप रुक गए तो फिर तो मुझे अपने आप में शर्म आ जाएगी वहां, क्योंकि सभी दृष्टियों से आपके अंदर समाहित होता हुआ खून और खून के कतरे कतरे में मैं समाहित होता हुआ आपको दिशा निर्देश देता रहूंगा। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा चैलेंज है। और मुझे अपने आप पर विश्वास, अपने गुरु पर विश्वास, अपने देवताओं पर विश्वास है, अपने भारतवर्ष पर विश्वास है कि जब जब भी भारतवर्ष में अत्याचार बढ़े तो कोई ना कोई व्यक्तित्व तो पैदा हुआ, उस अंधकार को दूर किया, क्योंकि भारतीय इतना लचीलापन है कि वो टूट ही नहीं सकता, झुक सकता है एक परिस्थितियों की मार की वजह से। मुसलमानों के समय में एक हिंदू झुका, बिक्रम की आवाज पर आया तब उसमें एकदम से एक तुलसी पैदा हुए, उन्होंने कहा कि राम है, धनुर्धारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वह अपने आप में वापस तैयार हो सके, अंधकार को दूर कर सके। एक व्यक्ति ने दूर किया और उस व्यक्ति ने जो कुछ लिखा उसकी वजह से लाखों लोग रोटियां कमाने लगे कथाओं कर करके। और अंधकार में देख रहा हूं क्योंकि उसके प्रारंभ हो चुका है, जहां इस प्रकार की झूठ और छल और कपट से भरी हुई पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, जहां नकली मंत्र होंगे, जहां नकली साधनाएं होंगी, कागजों पर तो आप भी चार छह लाइनें लिख दें, आप भी लाख तिलक लगा दें, भगवे कपड़े पहनने से आप साधु नहीं बन जाएंगे, अंदर साधुत्व तो पैदा होगा तब हो पाएगा। इस गुरु पूर्णिमा पर और ये विशेष दीक्षा है, विशेष प्रयोग देने के पीछे मेरा मंतव्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, वह भी मैं आपको सामने स्पष्ट कर देना मेरा धर्म और कर्तव्य था। और ऐसे कार्य कर सके, शिविर लगा सके, कार्य कर सके, और जो भी जिस प्रकार से भी तन से सहयोग कर सके, कोई जरूरी धन से ही सहयोग हो, मन से कर सके, जो कुछ हमारे पास है वह दे सके। देने की शक्ति बहुत कठिन होती है, जो कह करके मुकर जाते हैं उसे तो गए भी तक लोग संसार में होते ही नहीं। अपने आप में दृढ़ता के साथ खड़े जो होते हैं वे अपने आप में युग पुरुष होते हैं। चारों तरफ राक्षस खड़े थे, कंस जैसे कृष्ण खड़ा था बीच में अकेला, उसने कहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं अपने आप में पूर्ण समर्थ और श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे पास सुदर्शन चक्र है। वह सुदर्शन चक्र अपने आप में एक प्रयोग था, साधना थी कि चारों तरफ से आपकी रक्षा हो सके, आपका कोई बाढ़ बांका कर ही नहीं सके, सारे देवता आपके सामने गतिशील हो सके, ब्रह्मांड के आप नायक बन सके, वह सुदर्शन चक्र था। हमने उनको प्रतीक बना लिया कि उनके सामने एक चक्र घूम रहा है, हमने एक मंदिर बना लिया कि यहां एक देवता है, वह तो अपने आप एक साधना है जिसको सुदर्शन साधना कहा जाता है, जो कि चारों तरफ हर क्षण प्रतिपल
आपको पूर्ण रक्षा देता हुआ उस शत्रु को परास्त करने में समर्थ है, आप देखा और समाप्त हुआ, यह स्थिति पैदा कर लेता है वह सुदर्शन साधना, वह सुदर्शन चक्र, वो आपके आंखों की ज्योति, वह स्फुलिंग, वह चेतना और दृढ़ता, वह ज्वालामुखी। हमारे यहां तो इतने उच्च कोटि के प्रयोग हैं और भरी जवानी, वैसी जवानी जहां आदमी ऐश आराम, खाना पीना, शौक मौज करने की जो उम्र होती है वह जवानी मैंने हिमालय के पत्थरों पर रगड़ करके बिताई हुई है, उसने शौक मौज नहीं की, बर्फ पे चला हूं उस समय, जवानी गलाई है तो उस पत्थरों पर रगड़ते हुए, उन हिमालय के शीत बर्फ से जूझते हुए, उन लोगों से जूझते हुए, जंगली जानवरों से जूझते हुए, उसके बाद कहने की हिम्मत है क्योंकि मैंने उन लोगों से साधना सीखी है। व्यर्थ में आपके सामने बैठ करके कोई प्रवचन देना और बोलना अपने आप में मैंने नहीं सीखा है, जो कुछ किया है दमखम के साथ किया है अपने शिष्यों को देना मैं दमखम के साथ दूंगा, दूसरा कोई बना ही नहीं सकता इस तरीके जिस तरह से आपको बनाऊंगा, संभव भी नहीं है, उनमें योग्यता भी नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि शायद आप सोने की कलम से भाग्य पे लिपि लिखा के आए होंगे, इस बार की हर बार एकदम से उच्च कोटि की दीक्षाएं दे रहा हूं, आप स्वीकार कर रहे हैं, यह छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में अद्वितीय स्थिति है और मुझे विश्वास है कि प्रतिक्षण आपका हो, आपके गुरु का हो, आपके जीवन का हो, आपका परिवार गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सके कि ये मेरा लड़का है या मेरा पिता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, गर्व से कह सके, आप 8 फुट 9 फुट 10 फुट के बन करके सबसे ऊंचाई से अलग से दिख सको, आपकी आंखों में एक ज्वालामुखी और प्रेम की करुणा की दया दृष्टि हो, आप अपने आप में युग पुरुष बन सके। और मैं आप बने या नहीं बने, मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बार आपको मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद आपका पूरा शरीर पूरा हाथ पकड़ करके ऐसा करूंगा, हर हालत में करके जाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूं और यही आपको देख करके जाऊंगा ही। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय संध्या पर यहां पर निश्चय ही इस मंच से मैं सत्य उच्चारण कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, और 100 से ज्यादा ऋषि और योगी यहां बैठे हुए इस प्रवचन को सुन रहे हैं, तो उनको भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इनको क्यों तैयार कर रहा हूं, वो पूछ रहे हैं आप क्यों तैयार कर रहे हैं, क्यों इतनी गोपनीय दीक्षाएं दे रहे हैं, क्यों गोपनीय प्रयोग करवा रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूं क्यों दे रहा हूं, यह विवेचन इसी उनको समझाने के लिए है और आपको समझाने के लिए कि मैं आपको साधारण मनुष्य नहीं रहने देना चाहता हूं, आपको एक पुरुष बनाना चाहता हूं, आपको पुरुषोत्तम बनाना चाहता हूं, अपने आप में दिव्य ज्योति बनाना चाहता हूं, इसलिए काम कर रहा हूं। मैं अपने हृदय से भी और हृदय की 1000 आंखों से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निश्चय अद्वितीय बने, श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठतम बने, ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही कल्याण कामना करता हूं। और मेरा हृदय हर क्षण आपके लिए खुला है, 2400 घंटे पूरे बात में कहीं पर भी मैं हूं, आप हैं और मैं हूं, इसके बीच में तीसरा आ ही नहीं सकता। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। परिवार की आज के आनंद की हर हर महादेव। अब मैं आपको पहले दीक्षा दे रहा हूं, जो भी गुरु दीक्षा और विशेष दीक्षा ले रहे हैं उसके बाद मैं दोनों प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। मैं जब भावनाओं में प्रवाह में बह जाता हूं तो समय का ध्यान रहता नहीं, और समय एक तरफ किनारे खड़ा हो जाता है, उसकी हिम्मत होती नहीं कि अब घड़ी में 9:30 बजे 10 बजे 11 बजे, तो घड़ियां तो बहुत बाद में बनी है, मैं घड़ियों में देख करके बोलता नहीं, बोलता हूं फिर बोल देता हूं, और जब मौन ले लूंगा तो फिर नहीं बोलूंगा, आप जब बोलने लगेंगे तो फिर मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले आप हाथ जोड़े, ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थ नाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय
विद्याधराज विघटाय स्वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते श्रीमन महागणाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्या नमः उमा महेश्वराभ्या नमः शचीपुरंदराभ्या नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटिविधारणे नमः। वही मंत्र बोल रहा हूँ, सहस्रपाद हों, सहस्र हाथ हों, सहस्र चरण हों, सहस्र साक्ष हों, और ऐसा ही आप अपने ललाट प्राज्ञा चक्र जागृत हो। इस मंत्र यही है जो मैं अभी आपको बता रहा था। तत्रादु शिखामन्नम मानस्तोकितने मानाक्षिमानो गोखमानो सुखमास्वा हवामहे तत्रादु यज्ञोपवितं धारयामि नमः। यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतेर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्मद्रं प्रतिमञ्जसो ब्रह्म यज्ञोपवितं ब्रह्मसुतेज यज्ञस्थां तेनोपनीयामि। गले में पहन लीजिए। तत्रादो संकल्पम कुर्यात् दाहिने हाथ में जल लीजिए और संकल्प लीजिए। ओम विष्णु विष्णु भारतवर्ष बलखंडे जम्मूदीपे शालिवान साके बोध दावतारे समसे समस्मे को समता 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे सूक्ष्म आसन के उत्साहयाम ताम वै सप्ताह दक्षिणता दम प्राप्त लक्ष्मी से काल स्नानम शकल मिस्काम ना सिद्धतम लोके वासे भाई राज द्वारे सर्वत्र यशा विजय लाभादि प्राप्त कम सभारिस्य स पुत्रस्य स बानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधरा पीड़ा मृत्यु परिहार दुराम आयु आरोग्य धाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम शिशु तुम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चिन्हे समर्पयामि ताम आज्ञां परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तुम दे मम देय तुम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्तव्यम संपर्द देह। छोड़ दीजिए। तत्रादु गुरु प्रार्थयेत गुरु प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम दद्यात् बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। तत्रादु गायत्रीमंत्रम श्रेता ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पूर्णता प्राप्त आशीर्वाद पठेत दुनवाद खोल दीजिए। मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्णाम संतुम नोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम यस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्ण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यम नन्दीं तशत्रुवान् अक्षतां प्रस्थेतोऽन्त्यम गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं शीर्वचश्मायुष्मारोग्यं मावदकमानं महीते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुं श्रीष्टदे लक्ष्मी सुपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नु व्यातम इष्टं निखाणां मुमिखाणां सोढोकं मेखाणां। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप गुरुमाला से जो सबसे ऊपर मंत्र है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इसकी गुरु माला से नित्य चार माला मंत्र जाप करें धोती और दुपट्टा ओढ़ते हुए, जिससे कि आपके जीवन में सब कुछ आपको प्राप्त हो सके। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। इसके साथ ही साथ जो गुरु दीक्षा ली है वे शांति से अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रयोग वहीं करवाऊंगा जहां बैठे हुए हैं, और विशेष दीक्षा लेने वाले एक एक करके आते रहें और अपने स्थान पर जाके बैठ जाएं, और वहीं जहां बैठे होंगे वहीं से ये दोनों प्रयोग मैं करवाऊंगा। चलिए आप विशेष दीक्षा लेने वाले आ जाइए। साधक परिवार की आज के आनंद की हर हर जो महालक्ष्मी इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, मेरी आवाज शायद पीछे तक आ रही है, हाथ उठाइए जहां तक आवाज आ रही है। ठीक है, पहले मैं महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें और
जो पैकेट है आप खोल दें और जिस प्रकार से मैं प्रयोग संपन्न करवाऊं, ये अपने आप में अगर पद्मासन लगाना आता है तो पद्मासन लगाएं, और नहीं तो जैसे आप सीधे बैठे हैं वैसे सीधे बैठे। ओम पूर्व शतावाम दीर्घा, केवल महालक्ष्मी प्रयोग वाले ही प्रयोग करेंगे, वह दूसरा प्रयोग सहस्राक्ष प्रयोग बाद में करवाऊंगा। ओम पूर्व सदा साम दीर्घातोस्मानम सख दिग्लांतम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम नैते भूताक्षवासा पूर्वातोस्मानम महालक्ष्मी साम पूर्वा आवोयामी ताम तुभ्यम संपर्दय तत्रादु संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेके संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वर्खंडे जम्बू दीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्मे को समता 2000 तकनुती आषाढ़ मासे शुक्रवे आरोग्य साय राम रविवासे तम मा इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्नतम एतोष्मानम सात विनोचितम भोजूति पूर्णादुत्यम संपर्दे तत्रादु कुंकुमेन। आपके पास कुंकुम है, उस कुंकुम से जो आपके सामग्री उन पर तिलक लगाइए। ओम दीर्घवतोष्मानम साक्ति कल्याणताम सा चितम परिपूर्णातोष्मानम सात उद्यम कुंकुमेन समर्पयामि नमः कुंकुमतां अष्टगंधम समर्पयामि नमः तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल आपके हाथ में, वे चावल लेके इसके ऊपर चढ़ाइए। ओम अक्षम नमी मन्नता है प्रिया मधुगता अस्तो खतस्वभानवो विप्रान विष्ठ यामती उजाम अक्षतम सुमत्रामिना सुमाल्यानी सुगुंधीनी मालत्यादीनी भो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणिं स्मरणामिना पुष्पं स्मरणामिना धूपं दीपं च नैवेद्यं तांबूलं प्रदक्षिणां सात्वयं संपर्दे। यंत्र के ऊपर जो आपने कुंकुम छिड़का है वो कुंकुम से लेके अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। नमो जुन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शूरभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारणे नमः तत्रादु साधकं स उपस्थितं उपस्थितव्यं संपर्दे। अब जो ये प्रयोग करें वे खड़े हो जाए, महालक्ष्मी प्रयोग करने वाले केवल खड़े हो जाए, और दोनों हाथों में ये सामग्री आप लेने, नीचे यंत्र हो और यंत्र के ऊपर शंख और रुद्राक्ष दो मुखी ये सब लेकर के जैसे मैं खड़ा हूं, और सीधे खड़े हो जाएं मेरी तरफ देखें आप। ओम इर्ण वर्णा हरणि स्वर्ण रामचंद्रा हरिणी जातवे दो माँ भव ताम आव जातवे दो लक्ष्मी राम शारण्यम गाम स्वम पुष्पानम अस पूर्वान मध्याम स्नातो दिम सियम देवी पवे श्रीमान देवी जनस्ताम कांसो स्मिता मृण प्रकार मार्द राजुन ताम तपयंतिम पद्मेस्ताम पद्मवर्णाम तामियों पवे सियम चंद्रा प्रवासा जसा ज्वलंति सियम लोके देव जुष्टाम दाराम ताम पद्म नेमि क्षण मयम वदे मायांतराया सभाया लक्ष्मी उभयत माम देव सुखा कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेषु कीर्तिमर्दिन्दात्मे क्षुत्पाशा मणाजेष्ठा लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिम् स्मर्दिं च सर्वानिर्णोदमे ग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शानितपुष्टा करिष्णम् ईश्वरीश्वरभूतानां तामियोपवेश्यम् मनसा कामना कूतिं वाचा सत्यमसि मयि पशूनां रूपमनस्य मयि शीर्षयतामिसः कर्दमे न प्रदाभूता मयि सम्भवकर्दम सियं वासि मे कुले मात्रं पद्मालिनीं आर्द्रां स्कन्धिपुष्टि सुवर्णां हेमालिनीं शूर्या हृणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव आर्द्रायकृणीयष्टि पिंगलां पद्मालिनीं चंद्रा हृणमयी लक्ष्मी जातवेदो माव ताम आवजात वेदो लक्ष्मीश्यामिं प्रपदि गावदास्यो स्वामिन्देयं पुरुषानं यशुचि प्रेतो भूत्वा जुहिया दासमिन्वं सूक्तं पंचसंचासी कामा सत्पंचभे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओं महालक्ष्मी माता पुरातु स्वामी सखे कल्याणता मम समस्त सेनाम ताम इंद्र सामेन्द्रो तांद्रुन देवी विशो मृतो वर्तमानो भवंतेन्द्र देवी विशो मृतो वर्तमानो वंदा कुबेरा विश्वनाय महाराजाय ताम पुरुषाय तो स्वामी महालक्ष्मी समुद्र वस्ने देवी स्वांतुभ्यम इदमचितम भोजोति पूर्णां त्रिवराम प्रतिपूर्णां सात्वम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए ताम पूर्णो दर्वा प्राप्ता हेतु साधन तद्यम इदमचितम भोजोति पूर्ण रूपेण मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये ताम पूर्ण महालक्ष्मीं आवाहयामि पूर्ण मंत्र सिद्धि पात्र शक्ति पात्र रूपेण सा चिंतयामि अद्वितम सात्वम इदमचितम भोजोति पूर्वातो स्वांतुभ्यम संपर्दे तत्रादु मंत्रम दद्यात। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम श्रीम रीम कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम रीम कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ रीम श्रीम नमः। ओम श्रीम
रीम, कुबेर, इंद्र, महालक्ष्मी, आगच्छ, रीम, श्रीम, नमः, तत्रादु पूर्ण आशीर्वादम पठेत। आज मैं ये रहे, मैं आशीर्वाद बोल रहा हूं। मां पूर्वा पूर्णाद्रवां पतस पूर्णां पुनरापतस्कम ऊर्जगुं सत्कृतो स्थिरिञ्जुवाकाशमानं सकृतिकलां त्वं महालक्ष्मी तां पूर्णत आज्ञां समुद्रवसने सा विष्णु वल्लभे हेतोस्मानं सा पूर्णत मम समस्तशिष्याणाम् अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक नामना खुद का नाम बोलिए अमुक सर्माहम ताम पूर्णता महालक्ष्मी सा वैश्वनाय कुबेरा विष्णु समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम पूर्णता प्राप्तव्यम संपर्क देहे। यंत्र को और दोनों आंखों से लगा करके और रख दे। और इसके नियम यह केवल जो मंत्र मैंने दिया है वहां बोर्ड पे लिख के टांग देंगे। इसको आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। सामने यंत्र रख दे, यंत्र के सामने ये जो गुटिकाएं सब रखें और कमल गट्टे की माला से, कमल में ही महालक्ष्मी स्थित रहती है इसलिए कमल गट्टे की माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 14 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप, तृतीय मालायाम पूर्वे चतुर्दश दिवसी वतान महालक्ष्मी कुबेराय निश्चित प्राप्ते ताम ध्रुवम। 3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है, ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और यह मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। बस जो मैं नियम बताए हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। पालन करना यह है कि यह रात्रि में ही साधना हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही साधना हो सकती है। पीले वस्त्र या पीली साड़ी पहन करके ही साधना हो सकती है। कमल गट्टे की माला से ही मंत्र जाप करने पर साधना हो सकती है। और सामने आप घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब या किसी प्रकार के इत्र की एक बूंद डाल दें और यदि आपके गुलाब के पुष्प हो तो यंत्र पे चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से आप 3 माला मंत्र जाप करने के बाद में 14 दिन तक निर्विघ्न करें, बीच में खंडित नहीं हो। महिलाएं हैं तो जब एमसीपी समाप्त हो जाए तब शुरू कर दें, जिससे 14 दिनों के बीच में आपको कोई बाधा नहीं आ सके। पति पत्नी दोनों मिलके कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर भूमि सहन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आवश्यक है। और सामने महालक्ष्मी का चित्र हो और गुरु चित्र हो और घी का दीपक प्रज्वलित रहे, चाहे अखंड 14 दिन का दीपक जला लें या जितने देर तक मंत्र जाप करें तब तक जला दें। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि 14 दिन तक अखंड घी का दीपक जले। यदि आपको कोई बाधा आती है तो जब तक मंत्र जाप करें तब तक करें। इसलिए 5 चीजें मैं वापस दोहरा रहा हूं। ये रात्रिकालीन साधना है। पीली साड़ी या पीली धोती और ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब का या किसी का इत्र डाल दें। कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें, 3 माला मंत्र जाप करें और 14 दिन तक अक्षुण्ण करें, बीच में ब्रेकअप नहीं हो। और अगर ब्रेक हो जाए तो वापिस 14 दिन के लिए आपको करना पड़ेगा। और निश्चय ही सामने लक्ष्मी का चित्र हो जैसा भी हो और गुरु का चित्र हो, पहले गुरु पूजन हो और उसके बाद में ये साधना हो, फिर गुरु पूजन हो, चाहे 1 मिनट का भी गुरु पूजन हो। तत्रादु गुरु पूजनम कुर्यात् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव अन्याम पूज्याम सांगाय से परिवार सायुधाय सृष्टिकाय पूर्णत प्राप्ता निमित्तम सातव्यम संवर्ध देहि। 14 दिन के बाद में वह कमल गट्टे की माला और यंत्र के अलावा जो सामग्री है वह नदी या तालाब में विसर्जित कर लें। केवल यंत्र आपके पूजा स्थान में रहेगा और उसके बाद में रोज 1 माला या 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, तो माला तो प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप 5 मिनट तक उस मंत्र का जो मैंने आपको मंत्र दिया है उसकी माला रात्रिकालीन कर लें। नहीं करें तो फिर कोई दोष नहीं है, 14 दिन तक करनी अनिवार्य है। उसके बाद नहीं करें तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और आपकी जो उन्नति हो उससे आप मुझे सूचित करें टेलीफोन द्वारा या पत्र द्वारा। निश्चय ही आपके जो भौतिक समस्याएं बाधाएं हैं वे दूर होंगी, ऋण मुक्ति होगी,
व्यापार वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी और स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अब आप बैठ जाए नीचे और बिल्कुल लगी हुई हो जिससे मैं शक्तिपात कर सकूं और पूरे शरीर में आपके नेत्र जागृत कर सकूं। ओम दीर्घो साहा। अब बाएं हाथ से आप सिर के ऊपर चूड़ामण लगाएं। ताम नेत्रो साहे तो स्वानम शक्ति कल्याणदा दधी। नेत्रो सा नेत्रम जागृयामि, सा नासिको नासिकां जागृयामि, मुखे जागृयामि, सा कर्णौ सा कर्णम जागृयामि, विवायामि विवायौ जागृयामि, तत्रादु वक्षस्थले वक्षस्थलं जागृयामि, कुचे सा कुचं जागृयामि, तत्रादु हृदये सा हृदयं जागृयामि, एतो स्वानम सा उदरे पेट, उदरे सा दुपुरं स्थापयामि, त्रा नाभौ सा नेत्रौ स्थापयामि, तत्रादौ सा लिंगे योनिं सा तां नेत्रं जागृयामि, जंगे सा प्रतिजंगे महां नेत्रं जागृयामि, पादयौ सा पादयामि तां हृदौ स्थापयामि, द्वौ बाहुभ्यां हृदुष्मानं सबाहुभ्यां नेत्रौ जागृयामि, तां पृष्ठे सां पृष्ठतां पूर्वा नेत्रौ जागृयामि, स्वां पुनः शरीरे शिरस्त्राणं जागृयामि नमः। तत्रादो द्वेहास्तंता सिद्धा पुरम अक्षतम गगन चूनम सायतु सहनम गगन स्पर्शम कुर्यात। आकाश को स्पर्श करने जैसे हाथ नीचे उठाए तभी पूर्ण। ओम दीर्घो स्मानम सा मित्र देखिए। ओम दीर्घो सासासम कृते कल्याणताम सा समस्त शरीरे, नेत्रो नेत्रो सा पूर्णो सा चैतन्यम करिहुनाथ स्मानम सर्वे कल्याणताम, पूर्णो सा अंकम झंटम ताम पूरा परागम मम सा इंग 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 सा पूरा रिंग 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 सा चैतन्यम चैतन्यम परिपूर्णातो स्मानम सर्वे कल्याणताम, दीर्घो स्मानम सा प्रति पूर्वा तुभ्यम चिन्मो ज्योति, दीर्घो स्थलम ताव दुनुरा कक्षाम पूरा तो सम अंगम सा अंगांगांग सा पूरा अंकम चंटन तंपम मिंसम सा टंडम टंकाल निशान क्षोभिणी सां तंपम त्रोटिणी सा, एतो स्वामं दीर्घो दुसं द्रोहिणी सा द्रोहिणी सां पूर्वा, एतो स्वामं समस्त शरीरे अंगम प्रतिगम प्रतिअंगम सा पूर्वा, नेत्र उद्भव जागृय दिव्य नेत्र जागृयाम सा पूर्व संध्या काले सा, एतो स्वामं सकृ कल्याण ताम दीर्घो अतो स्वामं सा चिंत्याम विचिंत्यम प्रतिपूर्णाम अतो स्वामं सा, दीर्घो तो स्थलम पूर्वा सा सिद्धि बुधाय तो स्वामं सकृ कल्याण ताम, पूर्व सा अतो स्वामं सा निर्विघ्नताम पूर्वकम सा समस्त शरीरे पूर्वा, एतो हम दिव्य नेत्र जागृयामि सा पूर्णे सा मम समस्त शरीरे, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, मम समस्त शरीरे ताम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम नेत्रोद्भव समस्त अंग प्रत्यंगम नेत्रोद्भव मेतु सहसाक्ष नेत्र उद्भव चैतन्य जागृय विस्फोटय ज्वाला मुक्षेता मेदो स्मानम सा प्रिंसा कल्याणताम, दीर्घो तो स्मानम सा दीर्घात हम दीर्घो दीर्घो सा चिंतम 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 दीर्घो तो स्मानम कलिदे कल्याणताम, सा पूर्वा सा तुभ्यम इदमचनम वो ज्योति पूर्वो अतो स्मानम सा तुभ्यम इदमचनम वो ज्योति सा कल्याणताम दीर्घा अतो स्मानम तुभ्यम इदमचनम वो ज्योति पुरा खेतपुर जी त्वाम वायु देवो वा सविताम प्रातिष्ठतम महेन्द्रा इंद्राय भागताम हो तुभ्यम इदमचनम वो तुभ्यम संपदमचनम वो ज्योति कल्याणताम सा सुखिन तुभ्यम संपर्द दे। ये दोनों मुट्ठी बंद के पूरे शरीर को आप स्पर्श कर लें। हनी स्त्री री फट ओम ऐं ऐं श्री क्लीं हनी स्त्री री फट ओम ऐं ऐं श्री क्लीं ली स्त्री री फट। तत्रादु साहब आशीर्वादम पठेत। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, दोनों हाथों में सामग्री होगी और आप आशीर्वाद दें। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम दिस्तव ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान त्यम नंदीन तब शत्रुवान अक्षतान प्रस्तेतु त्यम गृहंती ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिम्य सुबलम् शीर्वचर्षमायुषमारोग्यम् महदात्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरम् दीर्घमायुः श्रीष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् इष्टं निखाणां मिखाणां स्वर्लोकं मिखाणसां नेत्रोद्भवं तां पूर्वायुषं रामकृतेन तां पूर्णतण्डवतां पूर्वायुष्मानं सा सदाशिवप्रणीत सा सहस्र मंत्र चैतन्यं प्रबुद्धं जागृयामि स्फुटं तुभ्यं संपर्दे। यह भगवान शिव के द्वारा प्रणीत मंत्र है और यह भी रात्रिकालीन साधना ही है और इसमें आपको सहस्राक्ष माला, आप कहेंगे ये सहस्राक्ष माला क्या होती है,
जो मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, जिस प्रकार के मंत्रों से सिद्ध की हुई हो, वह माला सहस्त्राक्षी माला कहलाती है। आपको देने से पहले ये मेरा धर्म मेरा कर्तव्य है कि मैं उन मंत्रों से सिद्ध करके वह माला रखूं। यद्यपि मेरी पत्नी बैठी हुई है और एक पास में स्त्री खड़ी हुई है और दोनों के दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, एक नासिका एक सिर है, मगर एक जैसी दोनों स्त्रियां होते हुए भी एक मेरी बहन है एक मेरी पत्नी है। इसलिए कि वह पत्नी के रूप में मैंने उनको सिद्ध किया है, उसको बहन के रूप में सिद्ध किया है, ये डिफरेंस है। मालाएं भी जिस प्रकार से सिद्ध की हुई होती हैं उस प्रकार से प्रणीत करने पर ही सफलता मिल पाती है। इसमें केवल एक माला मंत्र जाप करने का ही विधान है और मंत्र जप करने के बाद यह चूड़ा मणि जो कि चूड़ी की तरह है वह पूरे शरीर पर आप लगाएं, सिर से लगा करके पैरों तक, और फिर एक और माला करें, एक माला करें, फिर चूड़ा मणि को पूरे शरीर पर लगाएं, फिर एक माला करें। इस प्रकार दो मालाएं करने का विधान है और केवल 11 दिन तक करने का विधान है। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर पूर्ण क्षमता के साथ में उस प्रकार की माला जो मैंने सहस्त्राक्षी माला कही है उस माला के माध्यम से ही यह मंत्र जप हो और 12वें दिन या 13वें दिन यह सामग्री चूड़ामणि और बाकी सामग्री और माला वरुण देवता को समर्पित कर दें, जल देवता को समर्पित कर दें, जिससे कि उस जगह पहुंच करके आपके सभी नेत्र अपने आप में जागृत हो सकें और आप पूर्ण अद्वितीय रूप में श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकें। मैं ऐसी दीक्षाएं ऐसा प्रयोग दे रहा हूं जो संक्षिप्त हो मगर अचूक हो, तीर ऐसा हो जो निशाने पर लगे ही, ऐसा ही प्रयोग मैं आपको देता हुआ मैं आपको एक इतनी उच्च कोटि की ये आज जो दोनों दीक्षाएं दी हैं, कल भी दी थी, उसके बारे में मैंने कहा था कि आप मेरा बिना आज्ञा के दूसरों को ये मंत्र ये साधना नहीं दें, करें तो वह गुरुमुख से प्राप्त मंत्र कहां से प्राप्त कर पाएंगे, गुरुमुख से प्राप्त जो अभी आपको मैंने तेजस्विता दी है वह कहां से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मैंने शक्तिपात किया है साथ ही साथ मंत्र जप के पास जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी और आवश्यक है। मैं एक बार फिर आपको हृदय से आशीर्वाद देता हुआ आपकी कल्याण कामना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि हम फिर एक बार पूरे समस्त देवताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव दूसरी बार त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव अनयाम पूज्याम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय पूर्णत्व प्राप्ताय मम समस्त शिष्येणाम पूर्णत्व प्राप्ताय एतस्मानम सातुभ्यम अमुक अमुक गोत्रेभ्यो अमुक नामनेभ्यो सा पूर्णत सा इदमिदं पूर्णातम गतावति पूर्वाय तुभ्यं संपर्दधे। अब मैं कल के प्रयोग के बारे में समझा देता हूं। कल आप प्रातःकाल अपने आप में नेत्र प्रयोग तो हमारे जीवन का एक सपना है जिसको कल सुबह हम प्रातः प्राप्त करेंगे, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप स्नान करने के बाद में किसी से भी बात नहीं करें, बात करनी हो तो केवल उंगली इशारे से बातचीत करें जब तक मैं नहीं आऊं। मैं ईश्वर से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि मैं रात्रिकालीन वशक्ति इकट्ठी एकत्र कर सकूं कि सुबह मैं आपको ये दोनों ही दीक्षाएं दोनों ही प्रयोग संपन्न करवा सकूं। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसे आपके सामने कल्याण कामना करता हूं। जिससे कि आप सही तरीके से मंत्र लिख सकें और सुबह आप इसका उच्चारण कर सकें, ये आजकों की ड्यूटी है और आपको भी चाहिए कि सुबह जल्दी सो जाएं, सुबह उठ करके और जो मैंने बताया उस तरीके से करें जिससे कि हमारा आना सार्थक और सफल हो सके।
देखिए अपने स्थानों पर ही आप खड़े रहेंगे और खड़े रह करके ही जय घोष के द्वारा हम अपने श्रद्धा भाव भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी के पाद पंकजों में प्रस्तुत करेंगे जोर से जय घोष के द्वारा। आप चरण स्पर्श करने की प्रतिस्पर्धा कदापि नहीं करेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, बहुत पूज्यपाद गुरुदेव जी की, बहुत पूज्यपाद गुरुदेव जी की, वंदनीया माता जी की, वंदनीया माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। ओ अंगना गुरु जी मेरे आय बिराजो अंगना, आय बिराजो अंगना, गुरु जी मेरे आय बिराजो अंगना, आय बिराजो अंगना, गुरु जी मेरे आय बिराजो अंगना, आय बिराजो अंगना, गुरु जी मेरे आय बिराजो अंगना, बोलो बोलो पूज्य गुरुदेव की, आय बिराजो।